फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पंचामृत की रेसिपी। और पंचामृत सभी पूजा में बनाया जाता है और इसके बिना पूजा अधूरा माना जाता है। तो आपको मैं बताती हूँ, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, कोई कोई लोग भूल जाते हैं क्या क्या डाला जाता है। तो पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी आपको। तो इसकी रेसिपी चलिए बताती हूँ क्या कैसे बनेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। पंचामृत बनाने के लिए मैंने लिया है दही, ये मैंने हाफ बाउल लिया है, 1 बाउल मैंने मिल्क लिया है, और 1/4 मैंने शुगर, हनी और गंगा जल, और यहाँ लिया है तुलसी पत्ते, और यहाँ पर घी, और ये मैंने लिया है 5 मेवे। तो इतनी सारी चीज़ें हमें पंचामृत बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको कट कर लेंगे, जो काटने वाले हैं। तो इनको इसमें मैंने लिया है बादाम, किशमिश और खरबूजे के बीज, और इसमें लिया है मखाने, और ये मैंने थोड़ा नारियल लिया है। तो ये 5 चीज़ें हो गई, और 5 पंचामृत है तो इसमें 5 मेवे पड़ते हैं। और यहाँ मैंने लिया है दही, तो दही हम हाफ बाउल लेंगे और दूध उसका डबल लेंगे। तो जितना हम दही लेंगे उसका डबल हमें दूध लेना है। तो इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे। उसके बाद ये मैंने 1 बाउल मिल्क ले लिया, ये पूरा ऐड कर देंगे। और मिल्क गाय का ही इसमें डाला जाता है, भैंस का मिल्क, भैंस का दूध नहीं, गाय का दूध नहीं है, तो आप केवल दही से भी बना सकते हैं। इस कहीं कहीं पे चरणामृत बोला जाता है, कहीं कहीं पे पंचामृत बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने शुगर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मिश्री को पीस के भी आप ले सकते हैं, शुगर को भी पीस के ले सकते हैं, या जो बूरा आता है वो ले सकते हैं। यहाँ पे 1 स्पून मैंने हनी डाला है। तो 5 चीज़ें मिलाई जाती है, दूध, दही, घी और शहद और मेवा। तो ये 5 चीज़ों से मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसके बाद मैंने घी डाल दिया है यहाँ पे। उसके बाद हम इसके अंदर जो तुलसी पत्र लिया है वो डालेंगे। तुलसी पत्र जब तक नहीं डालेंगे तब तक हमारा जो पंचामृत है वो पूरा नहीं माना जाता है। तो पंचामृत में तुलसी के पत्र बहुत ज़रूरी हैं। तो इसको हमने मिला लिया है। अब हमें बहुत आसान होता है बनाना, लेकिन सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं बहुत लोगों को। अब मैंने जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे, थोड़े से घी डाल के उसमें थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। इसको बहुत हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद फिर मैं इसको पंचामृत में मिलाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ये भून लेती हूँ, फिर निकाल लेती हूँ, फिर ठंडा कर लेती हूँ। तो यहाँ ये भून गया है, और अब इसे निकाल लिया है मैंने, और अब इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद फिर मैं इसको मिक्स करूँगी पंचामृत में। तो यहाँ देखिए मैंने निकाल लिया है, और अब मैंने ठंडा कर लिया है। तो अब मैं इसको मिला दूँगी पंचामृत के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिला दिया है, और अब ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा पंचामृत रेडी हो गया है। आप इसको पतला, गाढ़ा, जैसा चाहे, आपको जैसा पसंद हो वैसा आप रख सकते हैं। और लास्ट में हम तुलसी के पत्ते लगा देंगे, जिससे कि बहुत अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे मेरा पंचामृत रेडी हो गया है और भोग के लिए। तो आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो आप भी इस रेसिपी से बनाइए, और कन्हैया को भोग लगाइए, और उसके बाद आप इसका प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये मेरा पंचामृत बनाने का तरीका। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू।